तू निकाल ले बकरी की आवाज। हाँ निकाल ले तो और का, निकाल के दिखाइयो। ऐसे क्या निकाल, तुम खुद निकालो पहले यार। तू निकाल दिखाइयो। अरे तेरे तो बकरा भी सस्ता हो तेरी तरह। मैं समझता नहीं, एक चीज बता, तेने इतनी सारी बकरी में भेड़ पाल रखी है, इनसे फायदा कहाँ है? भैया बकरीन को तो दूध बेच जाते है और भेड़न की ऊन बेच जाते है। और भेड़न की ऊन क्या रुपए किलो बिक जा? भेड़न की ऊन बेच जाते है 700-800 रुपया किलो। 700-800 रुपया किलो? हाँ। मतलब महीने के रुपए कमा रहे? तो सब मिला के 70-80 हजार रुपया कमा लेते हैं। यार तेरा ही काम बढ़िया। कहाँ भैया यार, मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। और जो मृदुल भैया कहाँ मेहनत कर रहे हैं यार? बाबू यार मैं तो कैसे बताऊँ, तेरे बगैर जीना लगता मेरा कतई भी। अरे तो मैं क्या करूँ, जब मुझे मौका मिलता है तब कर तो लेती हूँ, और वैसे भी घर में और भी काम होते हैं। बस यूँ तो भरा का मेरी जान मोह में और तुम्हें, तू सारे कॉमन ने करने के बाद मुझसे बात करे और मैं सारे कॉमन ने छोड़ के तो बात करूँ। देख कैसा लग रहा हूँ फोन पे, अगर लौंडिया का फोन आ जाए ना तो टट्टी में जाता ही हूँ। तो बाबू रात में धल लेकर अपने दौर फोन। पेपर चल रहे हैं मेरे, रात में नहीं चलाने देती मम्मी फोन। तेरी मम्मी ने भी ना आपत्ति कर रखी है। चल ठीक है, कोई ना मेरी बात सुनो अब तू ध्यान से। नहीं 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 मम्मी, आगे बाद में बात करूंगी, बाय बाय बाय। ए रे रे काट दे नितिन भाई। अरे भगाने खड़ा क्यों देख रहा है? ए नितिन भाई, भाई यार मुझे नया फोन चाहिए। है तो क्या फोन? मो एक और चाहिए, मैं अपने बाबू को दूंगा। अच्छा न्यू ना सोच रहा, एक फोन तो पहुंचा एक फोन वो पहुंचा, दोनों भाई मिलके तो एक फोन से काम चला रहे हैं। बाबू का फोन देना। हाँ तो जब बाबू रहेगी ना तो फोन का करेगा कहा? तो मैं कौन से लाके दूं फोन, मेरी का फैक्ट्री खुल रही है। अरे मो ना बता यार, मो फोन चाहिए। वैसे एक बात बताए भैया, ये गरीबी बहुत बुरी चीज होता है। अरे कुछ भी बुरी ना होती है, गरीबी से बुरा तो हुआ है कि घर वाले ने मुआवजा मिलाओ और बालक भीख मांगते डोल रहे हो। तो बताओ हमारे पापा के द्वारा एप्पल का फोन है, बस हमें चला रहे हैं ये फोन है, 350 रुपए के लिए जूता बेच के। यार भाई एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे द्वारा पैसा का जुगाड़ करने का बहुत टॉप का आइडिया। बता फिर बता। तू जा एक काम करो, मेरी गैल चलो तुम। अरे बता तो सही, मैं कहता रहूँ मेरी गैल चलो ना, बता दूंगा यार चलो। ये बोकरियां, अरे बोकरियां बोकरियां ऐसी चरती रहेंगी जिंदगी भर। आ तू मेरी गैल। देखना कोई है तो ना। कोई भी ना। मस्तानी एक काम कर, भाग के भीतर जा और मम्मी से ढोलक मांग के ला। क्या भैया अब ढोलक बजाएं हम? ढोलक ना बजानी, बस तू मांग के तला। वैसे हमें ढोलक चाहिए क्यों? जितनी कही उतना सुन समझ गया ना, जल्दी जल्दी। पर भैया हम ढोलक कहाँ कह के मांगे? अरे नु कह दियो पापा की रिंग सेरेमनी है। अरे नु कह दियो घर में कीर्तन है, जा तो सही। बहुत बढ़िया। और सुन मम्मी हमारे बारे में पूछे ना तो नु कह दियो नितिन मित्तल तो खेत पे है, खेत पे जा। ठीक है आंटी जी। रुक जाएगा दो मिनट। आंटी 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 होस भी ले लेकर। आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बता। रे बोला जो कजूनी आंटी, ढोलक मांगे आए थे, ढोलक हो तो दे दो। बहुत बढ़िया, पढ़ाई लिखाई तो होती ना तुम पे, ढोलक ही बजाओगे? अरे नहीं नहीं आंटी, घर कीर्तन है, जमारे मांग रहे हम पे नो ढोलक वोलक। पर मिर्दल भैया तो कह रहे घर धरी ढोलक। हाँ उनको तो बाप धर गो ना ढोलक। यहाँ हाँ हाँ उनका बाप ही लाया, कीर्तन के काम में ढोलक की मने करे करे। तुम दे चल। ला रही हूँ, रुकी आई। और सुना भाई मस्तानी क्या हाल है? बस बढ़िया अंकल। अरे बॉस रिश्ता पूरा हो, तू ढोलक उठा लेगा? अरे अंकल तुम मजाक करत रहा। अच्छा वैसा काय बात को कीर्तन है? अरे बे नहीं है, हमारे छुन्नू चचा, उनकी बे मतलब हमारी चाची, उनकी लड़का बहू है। अच्छा जी, वैसा कौन कौन आ रहा कीर्तन में? सभी आ रहे हैं, मौसी आ रही, बुआ आ रही, ताई आ रही, अबे पिंकी भाजी आ रही। बहुत बढ़िया, तो मौके बजे आना हो फिर। अरे नहीं अंकल, कीर्तन में आदमी की नहीं बुलाओ, खाली औरतें आ रही हैं। उन्हें तो कहा होगा तेरी मौसी कीर्तन कर लेगी, हम ढोलक बजा लेंगे। हाँ हाँ रुक जा बस। और तू पकड़ा ढोलक, तुम्हारा एक बार पलास गया, आज तक उल्टा ना आया। अगर यू ढोलक उल्टी ना आई ना तो तेरी खाल उतरवा के ढोलक बनवा दूंगी। ठीक है आंटी, दे जाइए। दे जाइए। और यार ढीले मत कर लियो। ठीक है।
बजे मिल गई ढोलक तो बजा ले। पर वो करने का है तेरे कहा करना होता चल ना तू भी अभी हमारे गेल चल अभी से पूछ रहा हूँ। बोल 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 भाभी भाभी गुल्लू की मम्मी तो पता तो कितनी बड़ी है गुल्लू की मम्मी भाभी भाभी। हाँ भैया। भाभी राम राम। राम राम। और सुनाओ ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नीचे कोई एक मिनट। नीचे। हाँ भैया बताओ क्या हुआ? कुछ ना हुआ, आप बताओ क्या हो रहा? अरे कुछ ना हो रहा, ठंड में बर्तन धुलने पड़ रहे, आ जाओ धुलवा दो। और ये ढोलक कैसे ले रखी है? ढोलक बजाने लग गए क्या? कुछ ना भाभी, आज हमारी मम्मी को जन्मदिन है तो घर कीर्तन है और यही मारा हम तुमसे ढोलक मांगने आए हैं। बिल्कुल सही कही तेने। क्या भैया, पहले तो हमारी मम्मी के जन्मदिन है तो अब तुम्हारी मम्मी को। चुप रहना, देखता जा बस। ला लो ढोलक ला दो। हमारी ढोलक तो फटी पड़ी है भैया। अच्छा तो दोनों साइड से फट रही है क्या? पिछली बार कोई मांग के ले गया था, इतनी जोर से बजाई कि पूरी ढोलक फट गई। अरे कोई बात नहीं भाभी, हम तो टेप लगा के बजा लेंगे। पता नहीं अब कहाँ रखी होगी। ओ भाभी, हम तो अपनी हर चीज दे दे, तुम अपनी ढोलक न दी जा रही। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, रुको मैं देखती हूँ। भैया तुम हमें एक बात बताओ, जब दूसरी ढोलक को क्या करियो? बता देंगे, रुको ना जा रहा था भाभी। भैया हम तो तुम्हें समझा रहा था, हमें तो बता दो। बता देंगे, नहीं ज्यादा जल्दी में रहे हमेशा। हमें तो यार कोई कुछ बताते ही नहीं है। लो भैया मिल गई ढोलक। हाँ जी हाँ जी ले आओ। और हाँ भैया, जैसे ले जा रहे हो वैसी वापस करना, बड़े प्यार से रखी है ढोलक। अरे ना भाभी कैसी बात कर रही हो, यहाँ तो अपनी छाती चिपका के रखूंगा। दे ना रे दिखा। ठीक है भाभी ठीक है, तुम दिक्कत मतलब मैं रखूंगा अपने दोरे। राम राम जी। दामिना डोप सोप मारे अकरो, दामिना डोप सोप मारे अकरो। बकरा, ओ बकरा, बकरे, अरे क्या है यार, बकरा बकरा क्यों करे जा रहे हो तुम? हाँ तो बकरा को बकरा ना कहेंगे और का गधैया कहेंगे। यार पापा घर ही हैं, तब मौसू बकरा बकरा करते रहो ना, वे मौसू लड़े कि तेरे दोस्त जो तो बकरा बकरा ही करते रहे। भैया हमें लगे तो बकरा बकरा अच्छा नहीं लगा, जब बकरिया क्यों करें? तुम दोनों क्या हो ना, जब भी ठीक है पर यह मस्तानी समझा ना, तो कह दिया चेट को दबा दूंगा ढंग से। ना घना ज्यादा बोले है यू। अरे बकरा ज्यादा मंत्री मत बने, भीतर जा ढोलक लेके आ। ढोलक? ढोलक का क्या करोगे तुम? अरे उन्हों अपना सतीश, बाकी बारात में बजाएंगे। सतीश कौन है यू? या का बाप। अरे पापा मत कह दियो कुछ। तो ठीक है कोई बात ना, रजनी के ब्याह में बजा लेंगे। जो रजनी को है या की मम्मी। भाई देख बहुत देर हो गई है, अब मत कह दियो कुछ। अरे बकरा तो से जितनी कही उतनी सुनना, चुप जाके ढोलक लेके आ। हम पे ना ढोलक, अपनी मम्मी बुला, हम पूछेंगे ढोलक है कि नो। पहली बात तो यू है मम्मी नौ घर, और दूसरी बात यू अगर हम पे ढोलक होती ना हम जब भी देते तो। भैया जो बकरा ज्यादा फालतू नहीं बोल लो। वैसे भैया एक बात बताएं, बकरा खाल की ढोलक बजा तो बहुत बढ़िया है, तुम का तो एक बजा ले। बजा ले। दो ढोलक तो मिलेगी, दो चार मिल जाए मजा आ जाएगा। अरे मिल जाएगी ताई चंद्र और के, चल लेना यूरो ना। भाई क्या इतनी ढोलकन को कर रहे होगा? एक भी रहे, चलना चलना तो। बता देंगे ढोलकन को करेंगे कहा, सुनता रहे ना। ओ ताई चंद्र। हाँ भाई, ताई है घर पे? मम्मी तो ना आए, हाँ मम्मी खेतन पे गई है। भाई ढोलक चाहिए, ही मिल जाएगी? क्यों ढोलक का क्या करोगे? भाई वो हमारे पापा की रिंग केरमोनी है, ये हमारे चाहिए। हाँ भाई जब मम्मी आ जाए जब ले जियो। भाई अभी जरूरत है तुम दे दो। ठीक है रुक जा अभी ला रहा हूँ। क्यों सही है भाई, हम तो आराम से मिल गई ढोलक। भैया ढोलक मांग रहे ठीक है, लेकिन हमें जा बताओ घर में कीर्तन है, जन्मदिन है, रिंग सेरेमनी है, फंक्शन का है। बता देंगे फंक्शन का, चुप रहे। ले भाई ढोलक। ठीक है भाई मैं जल्दी दे जाऊंगा, है कोई दिक्कत ना, आराम से दे जी। ठीक है भाई। आज ब्लू है पानी और दिन भी सानी, आज ब्लू है पानी। ढोलक तो मैं तुम्हें दे दूंगी,
पर मुझे ये तो बता ढोलक तुम्हें चाहिए क्यों? अरे चाची आज हमारी भैंस का जन्मदिन है। अरे तुम्हारी मम्मी तुम्हारा जन्मदिन तो मनाती ना, तुम भैंस का जन्मदिन मनाओगे? अरे चाची वो भैंस नो हमारी मम्मी के दहेज में आई और हमारी मम्मी अपने मायके से ज्यादा प्यार है तो हमारा जन्मदिन मनाना मन है, भैंस का जन्मदिन हर साल मनाना पड़े। तो भैंस के जन्मदिन में ढोलक का क्या करोगे? अरे कीर्तन करवा रही आंटी जी हमारे चाहिए ढोलक, तुम किचर पिचर करके रह गई। हाँ मम्मी तो नू कह रही चाची से एक बार कह देगा गैल पकड़ा देंगे तो ढोलक। ठीक है तो फिर ले जाओ। ठीक है चाची। वैसे भैया ढोलक तो बहुत मिल गई, अब इनको करने का है? इरे रुक जाएगा अभी बता दू तो, चल तो सही पहले हमारी गैल। सब एक गैल ही पूछेगा, चला जा। तू टिकटॉक टिकटॉक जलती है ये हाई हील्स की गलती है। बुलाया भी ना तो मैंने सोचा मैं ही बधाई दे आऊं। बधाई? कहे बात की बधाई? अरे वो नितिन मृदुल के पापा की वो क्या है, वो क्या कह रहे उसे, वो रिंग सारा मानी उसकी और वो मैंने सुना कीर्तन भी है। अरे दीदी तुमने भांग खा लिया सवेरे सवेरे? वाकई बहू मैं खड़ी हूँ और हमारे 20-20 साल के बाल अखोलिए कब की शादी हो रखी है, वो किसको कर रहा रिंग सेरेमनी? प्रोग्राम ना है तुम्हारे यहाँ? दीदी काहे बात का प्रोग्राम, हमने जीवन में आज तक दो ही प्रोग्राम करे, एक मेरा और नितिन मृदुल के पापा का ब्याह और दूसरा हमारी बुढ़िया मरी हूँ, तीसरा तो आज तक कोई प्रोग्राम ही ना हुआ यहाँ घर में। कोई प्रोग्राम ना है और तेरे बालक तो मेरे घर आए ढोलक लेने को और मैं ही ना, तो गुल्लू ने उठा के ढोलक दे दी और आज ही मुझे काम है ढोलक का। रे गुल्लू की मम्मी मौ लगे तुम्हारे दिमाग में ठंड बढ़ गई दीख है, अपने दिमाग की गर्म पट्टी कराओ, हमारे ढोलक नहीं जो तुम्हारी मंगाएंगे हम, और तो और हमारी खुद की ढोलक मस्तानी लेगा सवेरे सवेरे, तुम्हारी ढोलक कोई और लेके आएगा। अरे कोई और क्यों लेके जाएगा, जब हमारा गुल्लू कह रहा कि नितिन और मृदुल लेके गए और सारा मोहल्ला भी कह रहा, यूं कहते फिर रहे कि प्रोग्राम है कीर्तन है कीर्तन है, फिर अच्छा नितिन मृदुल ले गए तो उन्हें सुई मांग लीजो, पूरा गांव भी पागल होगा, मेंटली डिस्टर्ब औरत। कैसे पागल लुगाई है, बेइज्जती कर रही है तू मेरी, अभी जाके बताऊंगी पूरे गांव में तब देखियो। सात बोतल हरे वाली, एक चार पैर की कुर्सी। अरे ओ सुल्तान ओ अंधे, पर तुझे वो गाड़ी नहीं दिख रही, या खाली कर दे फटाफट और सारा माल अच्छे से चेक कर लिए, चल जल्दी खड़ा हो। सात बोतल। राम राम भाई। अरे राम 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 राम, क्या बात ढोलक ठाव फिर रहे, बजानी शुरू कर दी दिखे। भाई ये ढोलक तो मैं तुम्हारे वहां लाया हूँ। ढोलक का काम है मेरा, ढोलक बजाऊं मैं? भाई ढोलक बजाने को ना ढोलक देखने को। ढोलक वो लगना लेता मैं। तो भाई तुमने तो कहीं कोई भी सामान हो ले आइयो, मैं पैसे दे दूंगा। तो ढोलक का करूँ क्या है मैं, लोहा ला प्लास्टिक ला वो तो खरीद भी लूंगा। तो मैं क्या करूँगा ढोलकन का, इतनी मेहनत से मैंने ढूंढने ढोलक। भाई यार मुझे क्या पता, जिसे बेचनी बेच लो जाके। तो ना खरीदेगा कौन, इन्हें तो बस वही खरीद सके। वही कौन? अरे वही। अरे तो वही कौन? अरे वो जो गांव के पीछे रहे। अरे कौन रहे गांव के पीछे? अरे वही। हमारी ढोलक क्यों ले रहे? हाँ तुम ले रहे हमारी ढोलक, तुम्हारे बच्चे ले गए ढोलक, हाँ तुम्हारी ले गए ढोलक, तुम्हारे बच्चे ले गए ढोलक। रुक जाओ ना रुको तुम सगरे। वो पहला लू बताओ नितिन मृदुल सबसे पहला किसके घर आए? हमें ना पता वो किसके घर आए, हमारे घर आए हमारी ढोलक ले गए। आहा मैंने भी देखे, दो तीन ढोलक लेके गली में डोल रहे। अरे दीदी सही कह रही हो, मेरे तो पीछे पड़ के जबरदस्ती लेके गए ढोलक। अच्छा ठीक है ले गए होंगे तुम्हारी ढोलक, लेकिन तुमने अपनी ढोलक दी क्यों ना? देख रही हो तुम सब, यहाँ पे तो बस उल्टा ही बोलना आवे। जब मैं ढोलक लेने आई अपनी तो मौसू कह रही दीदी तुम्हारे दिमाग में ठंड बैठ गई, अब तो तुम सबके दिमाग में भी ठंड बैठ गई होगी, झूठी कहीं की है। रे गुल्लू बताइए यहाँ का लौंडा लेके ना गया ढोलक? हाँ हाँ मम्मी, इनके दोनों लौंडा और एक मस्तानी, तीनों के तीनों है। अरे आप तो ढोलक की बात करो, इनके बच्चे इतने नलायक है, पिलास पेचकस फावड़ा गिलास कटोरी जो मिल जा देते ही ना, वापिस आता ही ना। आंटी में मेरे धोरे भी आए हैं और मैंने उन्हें ढोलक न दिया तो मैं पीट कर गए वे। बताओ कितने नलायक बच्चे तुम्हारे। अरे ओ मेरे लटकी ठंडा ठंडा, बहुत देर होगी मेरे बाल खेलने अलग कहते कहते। हाँ ठीक है ले गए होंगे ढोलक,
अब लो बता फिर करना कहा है? करना कहा है? ढोलक दे दो, हमारी बात खत्म। सही बात। चलो ठीक है, जब बालक आ जाएंगे तो मिल जाएगी ढोलक तुम्हारी। तो तुम्हारे नितिन मृदुल ना आएंगे तो ढोलक ना मिलेगी हमारी। अरे भैया वे लोग आएंगे तो अपने ढोलकन के पैसे हम पैसे ले जाइए, और कैसे करोगे? अब जाओ यहाँ तू। चलो रे, अगर ढोलक ना मिली ना तो तुम्हारे बालकन कोई गम में छाई भी ना देने का। रो मत दियो मत दियो, छाई की दिक्कत रो, छह छह भैंस बंद रहे भीतर हमारे घर में। भाई घर तो यू ही वाला उनको तो अंदर चल के देख ले रहे हैं ना। ये मारते तो ना है इरे यार, डर तो मो भी लगा है, लेकिन एक बार बुला कर देख ले रहे हैं। राम राम जी। जब भी कोई लड़का देखे मुझको ये गाना बोले हाय हाय राम राम। अरे ओ खुशबू, अरे देख तो सही, नहीं ढोल के आए हैं भर्ती के लिए? ना ना ना, हम भर्ती होने ना आए, हम तो ढोलक देखने आए हैं। अरे तो बजा भी लोगे तो कौन सा लहंगा फट जाएगा तुम्हारा? नाना जी हम तो बस देखने ही आए हैं। अच्छा वैसे बजाए हुए के कितने रुपए मिले हैं? आए हाय गुरुजी, देखना पैसन की पूछ रहा लौंडा। तुझे तो मुंह मांगे पैसे दूंगी चिकने, पहले भर्ती तो हो जा। हम यहाँ ढोलक बेचना है बजाने ना आई। नाराजी हमें ना बजानी ढोलक। ए गुरुजी क्यों मजे ले रहे हो तुम बालकन की गैल? ये बालक ढोलक बजाने वाले ना, ये ढोलक बेचने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी, सही कह रही हैं ये मैडम, तो लेनी है ढोलक? ना ना चाहिए तुम्हारी ये ढोलक। अरे डट जा रहे पिंकी, क्यों इतना नखरे दिखा रही है? आज पहली बार ही जोड़ के घर को यहाँ आया है। एक काम कर, ये ढोलक ले ही ले। पर हमें तो सारी ढोलक देखनी है। अरे इतनी ढोलकन का क्या करेंगे, मार्केट में काम ही नहीं बचा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, पहले लोग बागन के 10-10 बालक होकर कीचड़े पे खुश रह करे, अब तो दो करके शांत बैठ जाना मिट्टी। एक काम करो, पैसा थोड़े कम दे दियो पर ढोलक सारी ले लो। अरे खुशबू बजा कर देख लेना कैसी बज रही है इनकी ढोलक। ठीक है जी जी, लाओ रे दिखाओ, मैं बजा के देखूं कैसी बज रही है तुम्हारी ढोलक। ला चिकने। अरे खुशबू काजल, अरे तुम भी आ जाओ देख लो ढोलक। अरे गुरुजी कैसे करोगे, तुम भी देख लो, आ जाओ रे आ जाओ। सलमा हाय हाय हाय, मेरा सलमा बढ़ता जाए। सलमा हाय हाय हाय, मेरे नींगे पकड़ी जब बिमला है कमला है। ढोलक बजाते रहोगे या पैसे भी दोगे? तेरे पैसे भी देंगे ना चिकने। हाँ तो दे दो ना, हम लेट हो रहे हैं। आए हाय इतनी जल्दी क्या है, घर पर लोग इंतजार कर रही है क्या? ना ना, अभी ध्यान होगा मेरा। हाय तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे को ऐसा आशीर्वाद दूंगी जल्दी ब्याह भी होगा और बढ़िया ऐसी बहू आएगी तेरी। अरे पकड़ रही देना इसको। ओहो मेरे बाल तोड़ेगी तू बाहुबली। एक काम कर तू सारे ही रख ले और खुश रह। ठीक है जी, राम 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 जी। अजी राम राम, खुश रहो। हाय री नहीं ढोल के आई है सब बचाओ। सलमा हाय हाय हाय, मेरा सलमा बढ़ता जाए। सलमा हाय हाय हाय, मेरे नींद बिगड़ी जाए। बिमला है कमला है हाय हाय हाय, नींद बिगड़ी जाए। अब देख अब आज ही अपनी बाबू को दिखाऊंगा फोन। वैसे भैया हमें एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुमने ढोलक ही काहे बेची?
काउक साइकिल बेच देते या फिर काउक मोटर खोल लेते यार। अरे मस्ता नहीं यार, ढोलक हमारा मांगी, अगर कहे की साइकिल मांगते ना तो सोच को मांगने आ जाता। ढोलक ऐसी चीज है, आज मांग लो 6-6 महीना तक याद ना आती काई है, बेच के पैसा मिल जाएंगे और काई है पता भी नहीं चलती। मम्मी तुम यहाँ गेट पे क्या कर रही हो? मैं तो इंतजार कर रही किसी का। मम्मी कौन आ रहा? आ गए अब तो। अच्छा अच्छा आ गए। और बाकी दोस्तों ये देखो, ये जो वीडियो बनती है वो बनती है पूरी फैमिली का माहौल बनाए रखने के लिए। तो अगर आपने अकेले देखी है तो परिवार के लोगों को साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि साथ में बैठ के वीडियो देखो, जो जो अच्छा लगा उसे कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम सब लोगों के इंस्टाग्राम के लिंक पड़े हुए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उससे आप पहुंच जाओगे वहां पर। तो वीडियो तो देखते ही रहना, बाकी डेली के जो रूटीन वाली चीज है वो सारे आपको अपडेट मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहां भी आ जाओ। और तब तक अपना ध्यान रखो, नई वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी और फटाफट सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अब होने वाले हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं आप सभी से, हैप्पी न्यू ईयर 2023 की न्यू ईयर। हम रोम 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 रोम।